हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ड्रम ब्रेक्स के बारे में। तो ड्रम ब्रेक्स जो है वो अक्सर व्हीकल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, हैवी व्हीकल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हमारे स्विफ्ट या i20 जो गाड़ियां हैं उसमें भी इस्तेमाल किए जाते हैं, हालांकि उसमें डिस्क ब्रेक का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम बात करेंगे ड्रम ब्रेक की कि वो किस तरीके से काम करते हैं। तो ड्रम ब्रेक का हमने डायग्राम बना रखा है बेसिकली। तो ये जो ब्लैक लाइनिंग है ये ड्रम है और ये ड्रम कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इस ड्रम के अंदर ये असेंबली जो है फिट होती है और जिस प्लेट के ऊपर, तो ये प्लेट है यहाँ पे, जिस प्लेट के ऊपर ये असेंबली फिट होती है उसे हम कहते हैं बैक प्लेट। तो ये ड्रम कुछ इस तरीके का दिखता है और ये होल्स देख रहे हैं आपको, इसके ऊपर टायर माउंट किया जाता है। तो टायर जब घूमता है तो उसके साथ ड्रम ब्रेक भी घूमता है, लेकिन अंदर की ये असेंबली जो है वो स्टेशनरी रहती है, वो फिक्स रहती है बैक प्लेट के ऊपर। और टायर के साथ हमारा जो एक्सेल है जो पावर देता है टायर को वो जुड़ा रहता है। तो होता क्या है कि जब आप ब्रेक दबाते हो तो उस समय ये ब्रेक पैडल है, आपने ये ब्रेक प्रेस किया, यहाँ पे ये छोटा सा ये जो एक सिलेंडर आपको दिख रहा है इसे मास्टर सिलेंडर कहते हैं। तो सिंगल पिस्टन मास्टर सिलेंडर है, इसमें एक ही पिस्टन है इसलिए सिंगल पिस्टन। तो जब आप पैडल दबाते हो तो ये सिंगल पिस्टन जो है पिस्टन आगे की तरफ मूव करता है, इसके अंदर ब्रेक फ्लूइड है, तो ये ब्रेक फ्लूइड बह के आगे जाता है। और ये हमारा स्लेव सिलेंडर है, ये मास्टर सिलेंडर और ये स्लेव सिलेंडर, ये रिजर्वायर है जिसके अंदर ब्रेक फ्लूइड जो है वो भरा रहता है। और आपको हमेशा ध्यान रखना रहता है इसका मैक्सिमम और मिनिमम लेवल जो होता है, कभी भी मिनिमम लेवल से नीचे फ्लूइड कम ना हो जाए। तो जब आप इसे दबाते हो इस फ्लूइड के ऊपर प्रेशर पड़ता है और ये जाता है हमारा स्लेव सिलेंडर के अंदर। अब स्लेव सिलेंडर के अंदर यहाँ पे दो पिस्टन है और ये दो पिस्टन जुड़े हुए हैं इस ब्रेक शू के साथ, तो इसे हम ब्रेक शू कहते हैं। ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ब्रेक शू के ऊपर हमारे पास ये रेड कलर में ये ब्रेक पैड है, या आप इसे ब्रेक लाइनिंग भी कह सकते हैं। तो ये जुड़े रहते हैं, तो जब ये फ्लूइड इसमें आता है तो ये फ्लूइड इन दोनों पिस्टन को इस तरीके से है तो इस तरीके से दूर, यानी इस पे फोर्स लगाता है जब, तो ये इस तरीके से एक्सपेंड करने लगते हैं। जब ये एक्सपेंड करते हैं तो ये क्योंकि जुड़े हुए हमारे ब्रेक शू के साथ, तो ब्रेक शू भी इस पोजिशन से इस तरीके से खुलने लग जाता है। तो अभी आप देख रहे हो रेड कलर का जो ब्रेक शू है वो ड्रम के साथ कांटेक्ट में नहीं है। तो जब ये फैलने लगता है तो उस समय ये जो हमारा ब्रेक पैड है, जो ब्रेक लाइनिंग है, तो वो इस तरीके से कांटेक्ट में आ जाती है ड्रम के यहाँ पे, और ड्रम को लगातार फ्रिक्शन की मदद से रोकने लगती है। तो क्योंकि हमारा ड्रम मोशन में है और जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ये जो ब्रेक पैड है वो जाके ड्रम से टकरा जाते हैं और ड्रम को जो है रिटार्ड, यानी जो उसकी स्पीड है वो कम करने लगते हैं। तो धीरे धीरे जब हमारी गाड़ी रुक जाती है तो उसके बाद आप पैडल को रिलीज करते हो, तो जब आप पैडल को रिलीज करते हो तो ये पिस्टन आगे की पोजिशन से थोड़ा पीछे की पोजिशन पे लौटने लगता है। और जब आप उसको रिलीज करते हो साथ ही में यहाँ पे जो दो स्प्रिंग्स हैं उसका काम यही है कि जैसे ही आप ब्रेक पैडल को छोड़ो तो ये जो एक्सपेंड हो जाते हैं, ये जो हमारा जो ब्रेक शू है ये इस तरीके से खुल जाते हैं, उसको दोबारा से इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर देना, बंद कर देना, पास लेके आना। उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो दो पिस्टन है वो दोबारा से जो एक्सपेंड हो गए थे दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पास आ जाते हैं, खींचे जाते हैं, और जो बीच का फ्लूइड होता है उस पे प्रेशर पड़ता है, फ्लूइड जो है दोबारा लौट के इस मास्टर सिलेंडर के अंदर दोबारा से भरे जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। हालांकि ड्रम ब्रेक जो है वो थोड़े कम कॉस्टली होते हैं, लेकिन हायर स्पीड्स पे ये थोड़े कम इफेक्टिव होते हैं डिस्क ब्रेक के मुकाबले। तो इस वीडियो में आई होप आपको थोड़ा बहुत ड्रम ब्रेक्स के बारे में पता लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी पूछनी हो तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे डिस्क ब्रेक्स के ऊपर। तो थैंक यू।